हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी एकदम मॉर्निंग वाला ही टाइम हो रहा है, तो मुझे बनाना था आज ये साबूदाना। तो मैंने इसको रात में वो दिया था अच्छे से। तो चलो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिंगदाना भून लिया था मैंने, भून के इसको अभी बारीक पीसना है। इसका ये ऊपर का रैपर निकाल के अच्छे से पीसना है। तो मैं बाहर से दूध ले आती हूँ। बाहर है ना, मैं एक इस तरह से मतलब थैली टांग देती हूँ, तो इसमें दूध वाले भैया ना दूध डाल जाते हैं पॉलीथीन दूध की। क्या रहता है कि सुबह सुबह मतलब सभी सोए रहते हैं, बच्चे वगैरह अगर बैल बजाते हैं ना तो सभी को डिस्टर्ब होता है। तो मैं पहले से ही एक थैला टांग देती हूँ, तो उसी में डाल जाते हैं। मिर्ची को पीसना है मुझे साबुदाने के लिए, इसको बारीक कट करना है और ये भी। चलो मिलती हूँ मैं आपसे गाइस बाद में, बने रहिए ब्लॉग में। तो वैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से मिर्ची को पीस लिया है, ये काफ़ी तीखी वाली है। यहाँ पे मैंने इसको भी इस तरह से दिखाऊंगा आपको, बारीक कर लिया है आलू को, ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है। चलो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको, बने रहिए ब्लॉग में। अभी मुझे मॉर्निंग वाले बहुत सारे काम है। चलो गाइस बने रहिए। तो यहाँ पे मेरा साबूदाना बनके देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम पता है इसको है ना, मैं ज़्यादातर जब मैं फास्ट रहती हूँ, जैसे व्रत वगैरह रहता है ना, तो भी बना सकते हैं इसको, खा सकते हैं। मैं खाती हूँ ज़्यादातर जब मेरा व्रत रहता है, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और क्या है, अच्छा भी लगता है, बच्चे भी पसंद करते हैं। इधर चाय भी उनकी रेडी हो चुकी है, मैं बस दे देती हूँ मम्मी को। ये इधर दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म होने के बाद फिर सुबह के बहुत सारे काम रह जाते हैं, बस वही निपटा लेती हूँ फटाफट। नहीं तो सुबह कितना भी अगर थोड़ा भी हम ऐसे डीले पड़ जाएँ काम में, तो फिर इतना लेट हो जाता है, मतलब नहाने को धोने को बहुत सारा लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ, अभी बच्चे तो नहीं जगे हैं, बच्चे जग जाएंगे तो मैं दूंगी बच्चों को। निकाला मैंने स्पून और देने जा रही थी मम्मी को साबुदाना, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा मनी प्लांट मेरा ऐसा अस्त व्यस्त सा हो रहा था, तो उसको ठीक करना था मुझे। अभी जाती हूँ बस बालकनी में, उसको मुझे पानी भी देना था। उसके ना उसके लीव ऐसे डैमेज से हो गए थे, तो उसको निकालना था। और उसको इतनी सारी धूप हो जाती है गाइस सुबह सुबह तो, कि बस मन नहीं करता है इसको है ना, मैं ऊपर कर देती हूँ। नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि नीचे नहीं झुकना चाहिए, तो थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ये क्या है कि जितना ये बड़ा होता जाएगा तो नीचे कोई झुकता जाता है, तो मैं इसको ऐसे किसी रस्सी वगैरह से ऊपर को ऐसे टक कर दूँगी फिर मैं। तो कितनी सारी धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो जाती है। अब तो ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी से बारिश आ जाए, खैर कहीं कहीं आ जाती है, कहीं कहीं तो आती भी नहीं है। चलो गाइस मिलती हूँ, अभी मुझे बहुत सारे काम है। तो गाइस यहाँ पे मुझे बनानी थी मैगी, अभी बच्चे बोल रहे थे मम्मा भूख लग रही है, तो फिर मैंने पानी रखा है बॉयल करने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है मैगी, मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखा है। क्या हुआ कि लंच थोड़ा हमारा आज थोड़ा लाइट वेट सा हुआ, तो फिर बच्चों को लगने लगी भूख, तो फिर मैं बनाती हूँ। मिल तो गाइस यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया है, अभी बन के रेडी हो जाएंगी ये, तो वैसे भी फटाफट बन जाती हैं गाइस। सभी बच्चों को मैगी बड़ा पसंद आती है, मुझे तो खैर नहीं अच्छी लगती, पर मुझे पता है वैसे वैसे बड़े जन को भी मैगी अच्छी लगती है ना। मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, चाउमीन वगैरह खा ली तो ये नहीं खाती। ये कचरा है सारा, इसको डस्टबिन में डालाती हूँ। टीवी देख रहा है, तो गाइस बनके रेडी हो चुका है।
विंडो ओपन कर देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है। मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चाय। हाँ सब नहीं, इसको सुखाने डाल देना। चाय हो गई है बनके रेडी, गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बनी रहिए गैस ब्लॉग। मुझे बनानी है आज अरबी की सब्जी, तो मैं चलो बनाना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अजी मैंने इसको बॉईल करके छील के रखा है इस तरह से। इसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। बच्चे तो नहीं खाएंगे मुझे पता है, पर बच्चे राइस रखा है तो मैं उसको फ्राई कर दूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मैंने आपको आपके साथ शेयर किया था, तो अभी मैंने उनके लिए मैगी बनाया है, तो मैं उनके लिए कर दूंगी चावल फ्राई और हम खा लेंगे ये अरबी की सब्जी। मैं इसको अच्छे से बॉक्स करके कट करके डाल दूंगी। तो गाइस सब्जी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं इतना कलर प्यारा आया है इसका। बिना धनिए की मतलब सब्जी बिल्कुल भी देखने में क्या खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, पर बच्चे धनिया बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। ऐसे निकाल निकाल के अलग रख देते हैं। चलो ऐसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल को भी फ्राई कर रखा है इस तरह से। मुझे पता है बच्चे ना सब्जी तो नहीं खाने वाले, क्योंकि उनकी पसंद की है नहीं, तो ये वो ये खा लेंगे। अगर एक टाइम भी राइस नहीं बनाओ तो बच्चों को तो ऐसा लगता है कि आज हमने खाना खाया ही नहीं, उनका खाना नहीं कम्प्लीट होता है बिना राइस के। तो गाइस मैं यहाँ पे खाना दे देती हूँ। तो गाइस मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।